रानी माया हो ना। तो एक छोटा सा डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। मयूरा का सामान है मेरे पास, मैच कर लेते हैं। पता चल जाएगा कि तुम माया हो या मयूरा। एक सेकेंड ओमकार जी, आप, मैं आपकी तरफ हमदर्दी जता रही हूं, आप तो हद पार कर रहे हैं। मतलब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हार गए आप, तो इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। देखिए इंस्पेक्टर सर, मैंने अपने माया होने के सबूत दे दिए हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं खुद को फिर से प्रूव नहीं करूंगी। आप प्लीज इन्हें ले जाइए या तो फिर मैं डीआईजी सर को फोन कर देती हूँ। ओमकार जी आप चलिए यहाँ से, ये आपकी पत्नी मयूरा नहीं। अरे आप लोग अंधे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मयूरा। अली आज के बाद ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत मत करना। इस बार जूस था, अगली बार जूस का ग्लास और तुम्हारा ये सर होगा। इंसान हूं मैं, तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं। आउट। अभी के अभी निकलो यहां से, गेट आउट नाउ। चेहरा देखने लायक था, स्पेशली जब तुमने उसके ऊपर वो जूस फेंका ना, पचाक करके तब। आई नो, लेकिन वो डीएनए वाली जब बात आई ना, मैं बहुत डर गई। आई स्वेयर, पर वो कहते हैं ना कि जब इंसान डर जाता है तो गुस्से से अपना डर छिपाता है। मैंने भी वही किया। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने वो फेक आईडीज बनाए, काम आ गए आज तो। You're always welcome. बस अब ज्यादा मत सोचो, तुमने ये जंग जीत ली है। जाओ अपनी तारा के साथ अच्छा समय बिताओ, आखिर तुमने ये लड़ाई उसी के लिए लड़ी है ना। तो तुम तब बनोगी जब तारा तुम्हें मां कह के पुकारेगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपनी बेटी को इनके आसपास नहीं रहने दे सकता। मयूरा क्या हुआ? कुछ नहीं विशाखा जी, बस यही सोच रही थी कि मयूरा और माया में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो है ये निशान। इतनी आदत हो गई थी मुझे इस निशान की, पर ये नहीं सोचा था कि ये मेरी पहचान बन जाएगा।
तुम फिर से सोचने लगी। डोंट थिंक टू मच, बस तारा के बारे में सोचो। गो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हर। और हाँ प्लीज ध्यान रखना, वैसे मैं अपने गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजूंगी ताकि वो नजर रखे कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें भी ध्यान रखना होगा, ओके? So have some fun. आपकी मम्मा आपसे मिलने आ रही है मेरी बच्ची। शाखा जी, मैंने जो आपसे बात कही थी आई होप वो हो गई है। हाँ लेकिन ये भेजा किसने? मैं एक नमी पकड़ने इसको। अरे अरे सुनिए तो, ये कहाँ गई? मिंटी का मैसेज, मिंटी का वीडियो है। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तारा भी एकदम ठीक है, आप लोग हमारी फिक्र मत करना। मैंने निशा के थ्रू जो वीडियो लिंक भिजवाया था, आई होप आपने वो देख लिया है। अब मैं मयूरा से माया बन चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने माया जाल में ओंकार को फंसाकर उससे बदला नहीं ले लेती। अभी तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन जल्द ही मिलूंगी। आप लोग अपना ख्याल रखना और इस वीडियो का नामो निशान मिटा देना। बाय पापा। मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरी बेटी जहां भी रहे सुरक्षित रहे, खुश रहे, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा खेल खेल रही है मयूरा, मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही है। कोई तो तोड़ हो पाए इसकी चाल का। तोड़ तो है, अगर आप लोग चाहो तो। तुम फिर आ गई, माँ ने कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। ठीक है चली जाती। वैसे आज मयूरा ने ओमकार का चेहरा हरा किया है, कल अगर काला कर देगी तो दौड़ते हुए मेरे पास मत आना। वैसे मानना पड़ेगा मेरी कमजोर सी बहन इतनी शातिर निकलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। संगे मरमर सरताज का ये हाल कर दिया, दम तो है बंदी में। तुम जाती हो कि मैं? ठीक है चले जाती हूँ, लेकिन एक बहन के राज कैसे निकलवाने हैं वो दूसरी बहन ही जानती है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे जो सही लगा मैंने किया। रुक जाओ, क्या कर सकती हो तुम? ओमकार जी कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन उसके बदले आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो मैं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मयूरा के प्लान, उसकी चाल, उसके खेल के बारे में सब कुछ पता नहीं लगा है ना, तो तुम्हारी बहन को तो मैं बाद में देखूंगा और तुम्हारा जीना मैं अभी मुश्किल कर दूंगा, याद रखना। ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या करोगे तुम? आपने तो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो समझ लीजिए मयूरा की लंका ढाने का टाइम हो गया।